नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस टाइम पर बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है और इसके पीछे बड़ी वजह ड्रग्स एंगल है। जी हां, आपको बता दें, बॉलीवुड का ड्रग्स एंगल शाहरुख खान के बेटे के द्वारा सामने आया है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अब ये ड्रग्स एंगल धीरे धीरे करके भारतीय खिलाड़ियों तक भी जा पहुंचा है। और अभी हाल ही में एक यूजर हैं शार्लिन चोपड़ा, जिन्होंने सामने आकर के और क्रिकेटरों पर भी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी भी इनके लपेटे में आ सकते हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में शार्लिन चोपड़ा ने एक बयान दिया है और जिस तरह से आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से खिलाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो खिलाड़ी अपना भरपूर जान लगा रहे हैं मैच जीतने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में ये देखने को मिल रहा है कि शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और लगभग दो दिन हो चुके हैं जब वो एनसीबी के कब्जे में हैं। इससे शाहरुख खान परेशान हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहरुख खान KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर टीम के मालिक भी हैं। और अभी शार्लिन चोपड़ा जो सामने आई हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि एक बार वो KKR को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर पहुंची थी और जब वो वॉशरूम में गई थी तो वो पूरी तरह से सतर्क रह गई, क्योंकि वहां पर उन्होंने देखा कि कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो कि ड्रग्स ले रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने साफ खुल करके कहा है कि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि नशा करते हैं, लेकिन अभी तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने कहा, जिसे हम बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जिन क्रिकेटरों के क्रिकेट को देखकर हम बहुत अच्छे से खुश होते हैं, आप सभी को इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। हर चमकने वाली चीज़ कभी भी सोना नहीं होती और इनका यही मानना है। इनका मानना है कि अभी अगर आपके सामने इन क्रिकेटरों की सच्चाई सामने आएगी और आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मात्रा में नशा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सभी हैरान रह जाएंगे। इनका ये कहना है कि हमें क्रिकेटरों को आँख मूंद कर फॉलो नहीं करना चाहिए और कई सारे ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर नशा करते हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या इसमें विराट कोहली भी शामिल हैं या फिर क्या रोहित शर्मा या फिर KL राहुल, ऐसे तमाम खिलाड़ियों में से कोई भी हो सकता है। शार्लिन चोपड़ा ने ये आरोप लगाया है कि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं, इनकी जो वाइफ भी हैं, वो भी इस तरह के नशे किया करती हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ये रियल में हर किसी को हैरान कर देने वाला है। और इससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के ऊपर भी आंच आ सकती है और इससे कई खिलाड़ी का करियर भी खत्म हो सकता है। बात करें अगर हम क्रिकेट की, तो जी हां, इस टाइम पर आईपीएल अपने चरम पर है और अंतिम पड़ाव पर है। बस कुछ ही दिनों तक और आपको ये आईपीएल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है, जहां पर खिलाड़ी एक बार फिर से तूफानी फॉर्म में नजर आने वाले हैं और वर्ल्ड कप को लेकर सभी खिलाड़ी अपनी तैयारी भी पूरी कर चुके हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।